मुझे जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि दो अलग किरदार हैं काफ़ी, आई मीन दे प्रिटी मच दी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। एक है एक विलेज की लड़की का एंड और एक है बहुत ही एक ग्लैमरस कैरेक्टर है जो उसका सेंस तो आपको फिल्म देखने पे मालूम पड़ जाएगा। फॉर मी व्हाट वाज वेरी वेरी क्रूशल एंड असेंशियल वाज टू क्रैक द लुक बिकॉज विजय सर चाहते थे कि ये एक साउथ विलेज में रहने वाली लड़की है तो शी शुड लुक लाइक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आई वॉज वेरी कंसर्न एंड सर वॉन्टेड यू नो लाइक देर शुड बी सम काइंड ऑफ मेकअप विच इट ट्रांसफॉर्म्स मी इन टू दैट एंड वी डिड सेवरल ट्रायल्स फॉर दैट। एंड एक वक्त आया कि हमने वी मेट अ जेंटलमैन कॉल पटनम रशीद हु क्रिएट्स लुक्स फॉर मूवीज़ एंड ही केम ऑन बोर्ड एंड ही स्टाइल्ड माई लुक फॉर द विलेज कैरेक्टर एंड आई हैड अपर्णा मित्तर यू नो डूइंग माई मेकअप थ्रू द फिल्म एंड माधुरी नाकरे डूइंग द हेयर एंड दे अचीव द लुक परफेक्टली। सो दैट वॉज यू नो फर्स्ट ब्लॉक आउट ऑफ द वे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉज गिवन रेफरेंसेज ऑफ यू नो रेवती मैम फ्रॉम एन ओल्ड फिल्म ऑफ कमल सर्स एंड सो आई मीन दैट वॉज द रेफरेंस ऑफ द कैरेक्टर द विलेज कैरेक्टर। सो ऑफकोर्स दैट्स मोर इन अ वेरी बेसिक वे बट एट द एंड आई एंड अप डूइंग वॉट विजय सर एक्चुअली हैड कंसेप्चुलाइज एंड ना ही सिर्फ बॉडी लैंग्वेज में बल्कि इवन आवाज़ में फ़र्क होगा इन दो कैरेक्टर्स में एंड सो फॉर मी इट वॉज रियली रियली चैलेंजिंग। और उसके ऊपर से ये फिल्म तीन भाषाओं में बनी है सो द प्रोसेस ऑफ शूटिंग वॉज प्रीटी मच क्रेजी बिकॉज एक भाषा में करेक्ट टेक आना हमें चैलेंजिंग लगता है कभी कभी। ये फिल्म में तीन बार करना था और नॉट ओनली सीन्स बट इवन डांस सीक्वेंसेस। तो जब जब हमारा लिपसिंक होता था वो लिपसिंक को बदला जाता था हर हर भाषा में सो दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग एंड बट मज़ा भी आया बिकॉज अब मैं जब फिल्म देख रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि यू नो उस वक्त हम काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल से गुजर रहे थे बट आज जब फिल्म देखते तो इट फील्स वर्थ इट। वेल इट डेफिनेटली ब्रिंग्स एन लाइक एन ऑडियंस जब वो ट्रेलर देखते तो उन्हें वो डिसाइड कर लेते कि उनको फिल्म देखनी है कि नहीं देखनी तो इट टेक्स यू टू दैट पॉइंट। उसके बाद क्या होता है अगर फिल्म रिलीज़ होती है लोगों को पसंद आती है तो एक वर्ड ऑफ माउथ होता है जो बहुत हेल्प करता है। सो वी आर ओनली होपिंग दैट यू नो पीपल गो वॉच द फिल्म एंड आई वी होप दैट दे लाइक इट बिकॉज वी एज एक्टर्स मैं हूँ प्रभु सर हैं सोनू हैं आई फाइंड इट अ वेरी वेरी अनकन्वेंशनल कास्टिंग। आई मीन नॉर्मली कौन सोचता कि प्रभु सर मैं और सोनू एक फिल्म में मेन लीड्स में होते। आई मीन दैट इज़ इट सेल्फ क्वाइट अ नॉवल कॉन्सेप्ट सो दैट टू मी इज़ इंटरेस्टिंग एंड आई फील वी आर ऑल प्लेइंग कैरेक्टर्स। सो अगर लोगों को किरदार पसंद आए सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। वेल यू नो दिस इज़ द गुड विल दैट सोनू हैज़ एंड सोनू उनके सारे दोस्तों ने इसमें स्पेशल अपीयरेंस करने के लिए राज़ी हुए हैं। एमी ऑफकोर्स वॉज लॉन्च बाय विजय सर इन तमिल फिल्म सो यू नो दैट वॉज यू नो काइंड ऑफ अ थिंग दैट विजय सर एडेड टू द फिल्म। सो वी आर वेरी थैंकफुल जो जिसने इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंसेस किए हैं फ्रॉम फारा मैम टू एमी टू ईशा टू शाहरुख हुज़ गिवन द वॉइस ओवर वी आर ऑल वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम फॉर बींग अ पार्ट ऑफ अवर फिल्म एंड मेकिंग इट मोर स्पेशल फॉर अस। येस आई मीन आई फील रियली रियली टच्ड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कंगनाज एंड नॉट ओनली ऑफ हर एक्टिंग एक्टिंग तो सभी जानते हैं वो बहुत बखूबी करती हैं बट इवन एज अ लेडी आई थिंक शी इज़ वेरी वेरी She's somebody who's really worked on herself and today she is an inspiration to a lot of women from her fashion sense to, you know, the way she carries herself to the way she is strong and outspoken. I think that, मैं हमेशा उनके interviews देखती हूँ because मुझे उनके interviews देखना पसंद है उनका point of view सुनना पसंद है so for I'm really really I feel really touched and I find it really a sweet gesture of her to say what she said. मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि तू तक तूतिया इज़ कमिंग आउट ऑन द 7th of October। मेरे लिए आफ्टर बाहुबली आई माई सेल्फ वॉज इन लुक आउट फॉर अ फिल्म दैट टैब्स मी एज एन एक्टर। आई एम होपिंग दैट दिस इज़ दैट फिल्म एंड आई होप टू डू मोर फिल्म लाइक दैट।